Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching. Today's our topic is Refraction, Part of Light. हमारे आपने first video में Reflection पढ़ा है, ये उसका second part है, जिसमें हम आज Refraction, first part में मैंने पूरा introduction आपको दिया था. ये देखिए, आज हम पढ़ेंगे Refraction of Light. Light का सेकंड फेनोमेना रिफ्रैक्शन. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या है? एक कॉमन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा कि कोई भी लाइट, जैसे हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि लाइट किसी शाइनिंग सरफेस में इंसिडेंट होता है तो उसी मीडियम में बाउंसिंग बैक हो जाता है. लेकिन सपोज वो मीडियम ट्रांसपेरेंट हो, सपोज वो ग्लास स्लैब हो, वाटर हो, या कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, तो आपको मालूम है कि वो लाइट उसको एंटर करके दूसरे मीडियम में चला जाता है. इस प्रकार से रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज हमने यहाँ पर टू मीडियम बनाया. ये ऊपर का मीडियम सपोज एयर है और नीचे का मीडियम सपोज ग्लास है. अब यहाँ पर हम देखें तो सपोज यहाँ पर हम एक लाइट इंसिडेंट करें, ये हमने एक लाइट इंसिडेंट किया और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा किया, तो लाइट रेज एयर से ग्लास में जाएगा टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड, इस तरह से लाइट बेंड हो जाता है. और ये इसका जो रियल डायरेक्शन है, ये इसका रियल पाथ है. सपोज ये मीडियम यहाँ ग्लास नहीं होता तो ये इस पाथ से सीधा जाता है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइट क्या हो गया, अपने पाथ से बेंड हो गया. दैट मीन रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ इट्स रियल पाथ. इफ ए लाइट रेज गोइंग थ्रू वन मीडियम तो अनदर मीडियम, देन बेंडिंग ऑफ द लाइट विथ इट्स रियल पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करता है तो उसका जो रियल पाथ होता है वो चेंज हो जाता है, बेंडिंग हो जाता है, लाइट बेंड हो जाता है. किसी केस में वो टूवर्ड्स नॉर्मल और किसी केस में अवे फ्रॉम नॉर्मल, आगे हम उसको पढ़ेंगे. तो ये कहलाता है रिफ्रैक्शन. अब यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्शन के केस में होता क्या है. ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर. एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज आर विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये कहलाता है रिफ्रैक्शन. अब यहाँ पर हम देखते हैं कॉस ऑफ द रिफ्रैक्शन. इसके पहले हम इसके रूल्स पढ़ लेते हैं. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के क्या क्या रूल्स हैं अपने पास, ये हम सब यहाँ से पढ़ लेते हैं. लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए अपने लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने देखा है फर्स्ट कि इंसिडेंट रे दिस इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर इन सेम प्लेन. फर्स्ट रूल इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर इन सेम प्लेन. ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, देखिए. एंड सेकंड इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. स्नेल नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया, इसलिए इसको पर स्नेल्स लॉ बोलते हैं. और ये है द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर. दैट मीन्स द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ए कॉन्स्टेंट. इनका रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है,
जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इज कॉल्ड, म्यू एक क्या है, ग्रीक लेटर है, और इस ग्रीक लेटर को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज करते हैं। देन द सेकंड रूल इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ए कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फार्मूला होता है, एंड म्यू इज आल्सो इक्वल टू, सपोज एयर में लाइट का वेलोसिटी वी वन है और ग्लास में लाइट का वेलोसिटी सपोज वी टू है, तो ये इसका फार्मूला होता है वी वन अपॉन वी टू। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज आल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, तो उसके यूनिट्स कहते हैं कैंसल आउट हो जाते हैं, क्लियर। ये कहलाता है स्नेल्स लॉ। अब हम यहाँ पर देखते हैं कॉस ऑफ द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कॉस, व्हाट इज द कॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, कि एक्चुअल में लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने पाथ से बेंड क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, फर्स्ट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर, रेयर मीडियम टू डेंसर। रेयर मीडियम मतलब क्या होता है? रेयर मीडियम मतलब होता है जहाँ पर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, मतलब उसकी डेंसिटी लो होती है। और डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जहाँ पर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो पास पास होते हैं, दैट मीन्स वो डेंस होता है, करीब होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये सपोज हम एक ये नॉर्मल ड्रा किए, इंसिडेंट ड्रा किए, ये ए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रेयर मीडियम में सपोज लाइट की वेलोसिटी वी वन है और डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी सपोज V2 है। अब रेयर मीडियम हम इसको एयर ले लिए और डेंसर मीडियम को हमने ले लिया ग्लास, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये जो लाइट रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन टूअर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रहा है। सपोज इसको हमने ये कर दिया, ये आर ले लिया, वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ये हो गया। एंड अगेन म्यू इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू फ्रॉम दिस फार्मूला। देयरफॉर दोनों क्या हैं, देखिए दोनों म्यू के इक्वल हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। अब आप रिलेशन को ध्यान से देखिए, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम एंड वी टू इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। और हमको ये बात पता है कि लाइट की जो वेलोसिटी है वो रेयर मीडियम में ग्रेटर होता है विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, क्योंकि रेयर मीडियम में क्या होता है, जो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो लाइट वहाँ स्पीड से ट्रेवल करता है। तो यहाँ से अपने को पता है सिंस वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, देयरफॉर जब राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, देयर फोर आई इज ग्रेटर देन आर। तो यहाँ से आप देखिए कि आई का वैल्यू आर से ग्रेटर होगा, मतलब आई का वैल्यू कम होगा आर का वैल्यू ज़्यादा होगा, इसीलिए कोई भी लाइट जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंट्री करता है तो वो क्या होता है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है, क्लियर। ये टूअर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, यदि वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए। मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ या इरेज करता हूँ मैं। सेकंड कंडीशन इज, नाउ सेकंड कंडीशन इज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट मीडियम है वो क्या है,
डेंसर मीडियम है। ये सपोज ग्लास है, कोई ग्लास स्लैब है और हमने यहाँ पर ले लिया एयर, ये हमने लाइट रे इंसिडेंट किया। अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है, यहाँ पर ये आई है, ये आर है, वी वन, ये वी टू। ये हम देखें, अब सेम कंडीशन में यहाँ पर हम रूल अप्लाई करते हैं तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर एंड म्यू इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। बट इन दिस केस वी वन इज लेस देन वी टू, क्योंकि वी वन क्या है, लाइट का ग्लास में वेलोसिटी है और ग्लास में लाइट का वेलोसिटी क्या होगा, लेस देन होगा किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए कि वी वन यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वी वन लेस देन वी टू है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा, देयर फोर साइन आई इज लेस देन साइन आर, दैट इम्प्लाइज आई इज लेस देन आर। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो आई का वैल्यू है आर से लेस देन होगा, दैट मीन्स आर को ग्रेटर होना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जनरली क्या होता है कि हम लोग एक फैक्ट याद कर लेते हैं, हम जनरली एक फैक्ट याद कर लेते हैं कि लाइट रेज जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाता है तो टूअर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है, और डेंसर से रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। बट अपन उसके ओरिजिन पर नहीं जाते, उसके कॉज पर नहीं जाते कि ऐसा क्यों होता है। मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द कॉसेज ऑफ द रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, आई इज ग्रेटर देन आर, एंड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम आई इज लेस देन आर। इसलिए उस केस में टूअर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है लाइट, और इस केस में क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। तो ये मैंने बताया आपको रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन एंड कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। अब अपन देखते हैं इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पर अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, देखिए लाइट रेज में रिवर्सिबिलिटी का या रिफ्रैक्शन में रिवर्सिबिलिटी का एक नेचर होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये किस तरह की प्रॉपर्टी है, देखिए सपोज ये एक बॉर्डर लाइन है, हमने ऊपर में एयर नीचे में ग्लास मीडियम इमेजिन कर लिया, ये हमने इंसिडेंट रे ड्रा किया, अब ये टूअर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ये यहाँ पर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। अब देखिए यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं कि सपोज हम यहाँ पर एक प्लेन मीटर रख देते हैं। अब हमको पता है इसको इस तरह से अपन रखते हैं कि सपोज ये लाइट इस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट है तो लाइट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यदि हम एयर टू ग्लास जाना चाहें तो फ्रॉम एयर टू ग्लास उसको लिखते हैं अपन एम यू जी। एम यू जी का मतलब क्या होता है, आप ध्यान समझिए, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज रिलेशन फर्स्ट। बट यहाँ पर क्या होता है, प्लेन मीटर लगाने से ये लाइट सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम ग्लास से एयर में जाना चाहें तो देयर फोर बट जी म्यू ए, अब हम क्या कर रहे हैं, ग्लास टू एयर में जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब ये इंसिडेंट एंगल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन आर और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपॉन साइन आई, दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड। नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर दें तो एम यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। अब यहाँ पर देखिए ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और दैट इम्प्लाइज अपने को क्या मिल जाएगा, एम यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू वन।
अब यदि हम इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो एक रिलेशन अपने को मिलेगा ए म्यू जी इक्वल टू इधर जाके अपान हो जाएगा वन अपान जी म्यू ए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ए म्यू जी इज ऑलवेज इक्वल टू वन अपान जी म्यू ए। दिस इज द कॉल, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हम लाइट के इस नेचर को, रिफ्रैक्शन के इस नेचर को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम्स। सेवरल मीडियम्स मीन्स सपोज वी हैव मोर देन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन बिहेवियर ऑफ रिफ्रैक्शन इज रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम्स। अलग अलग बहुत से मीडियम में लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, यहां पर हम देखते हैं। सपोज हमने फर्स्ट मीडियम यहां पर हमने ले लिया एयर, ये सपोज एयर है। सेकंड में हमने ले लिया ये, सपोज ये वाला मीडियम है वाटर, इसके हमने वाटर ले लिया। और सपोज ये थर्ड नंबर का मीडियम है जिसको रेड इंक से मैं ड्रा किया, वो है सपोज ग्लास। ये इस तरह से हमारे पास थ्री मीडियम है, थ्री डिफरेंट मीडियम है। अब यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन को शो करते हैं। सपोज हमने ये लाइट इंसिडेंट किया, यहाँ नॉर्मल ड्रा करेंगे इस तरह से। अब लाइट क्या होगा, रेयर से डेंसर में जा रहा है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया इस तरह से। अब हमने फिर यहाँ पर नॉर्मल ड्रा किया, अब फिर रेयर से डेंसर में जा रहा है क्योंकि वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास डेंसर मीडियम है। फिर हमने टूवर्ड्स नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये कर दिया, यहाँ पर हम फिर नॉर्मल ड्रा किए। अब ग्लास से अगेन वो एयर में बाहर निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, सपोज हम लाइट का वेलोसिटी यहाँ पर एयर में ले लिए, वेलोसिटी वाटर वी वन, वाटर में हमने इसकी वेलोसिटी वी टू ले लिया, ग्लास में इसके वेलोसिटी को वी थ्री ले लिया, और यहाँ पर एयर में वेलोसिटी वी वन है तो अगेन वी वन हो जाएगा इस तरह से। इसको डिराइव करने के कई तरीके हैं, मैं बहुत आसान मेथड से आपको बता रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज वी वन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज वी टू, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज वी थ्री, एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज एयर इज अगेन वी वन। अब हम एक एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से लिखते जाएँ तो देयरफॉर क्या है, एयर टू वाटर, सबसे पहले एयर टू वाटर ए म्यू डब्ल्यू इज वी वन अपॉन वी टू, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, एंड डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू से फिर हम कहाँ जा रहे हैं, ग्लास में जा रहे हैं तो इक्वल टू हो जाएगा वी टू अपॉन वी थ्री अगेन जी म्यू ए। अब हम ग्लास से अगेन एयर में जा रहे हैं तो ग्लास में वेलोसिटी क्या है इसका, वी थ्री, और एयर में क्या है, वी वन। ये रिलेशन अपने को मिलेगा। अब हम इस तीनों रिलेशन का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल क्या हो जाएगा, वी वन अपॉन वी टू इंटू वी टू अपॉन वी थ्री इंटू वी थ्री अपॉन वी वन, ये हो जाएगा, क्लियर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए सब के सब कैंसिल आउट हो गए, सब कैंसिल हो गए तो राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा अपने को, वन मिल जाएगा। तो देयरफॉर ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू वन। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन अपने को मिलता है कि यदि रिफ्रैक्शन सेवरल मीडियम से हो, यदि लाइट में बहुत अलग अलग मीडियम से रिफ्रैक्शन हो तो सभी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उनका प्रोडक्ट क्या होता है, वन होता है। दैट इम्प्लाइज इस फार्मूला को हम इस तरह से यूज करते हैं, इसको हम सेंटर में रख दें, डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो वन अपान ये हो जाएगा जी म्यू ए इंटू ए म्यू डब्ल्यू। दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू, इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो अभी मैंने रिवर्सिबिलिटी से बताया, जी म्यू क्या हो जाएगा, ए म्यू जी हो जाएगा, तो हो जाएगा ए म्यू जी
अपॉन ए म्यू डब्लू, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएगा। क्लियर? तो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम, मतलब यदि एक लाइट रे को हम अलग अलग बहुत से मीडियम से यदि रिफ्रैक्ट कराएं, उसका रिफ्रैक्शन हो, तो सभी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, मैं आपको अपने हर वीडियो में एक बात याद दिलाता हूँ कि हम आपको इस तरह का, इस स्टैंडर्ड का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना चाहते हैं कि आप सिर्फ 10th क्लास नहीं बल्कि इन फ्यूचर आप 12th क्लास में, 11th क्लास में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रिपेयर करें तो आपको बेस प्रॉपर हो। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से समझिए। नेक्स्ट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का नेचर क्या होता है। सपोज यहां पर हमने एक ग्लास स्लैब इमेजिन किया। सपोज ये ग्लास का एक स्लैब है। इस ग्लास स्लैब में हमने एक एयर से एक लाइट इंसिडेंट किया। ये एयर है, ये ग्लास का मटेरियल है सपोज, और ये फिर एयर है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, जैसा आप देख रहे हैं ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा, और यहाँ पर फिर हम नॉर्मल बेंड करें तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगा। यदि हम फर्स्ट रे को ग्लास स्लैब नहीं होता तो इस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करता। तो इसका जो रियल पाथ है, अभी हमने आपको रिफ्रैक्शन के डेफिनेशन में बताया बेंडिंग ऑफ इट्स रियल पाथ, उसके रियल पाथ से जो जिसमें एक्चुअल में वो जानना चाह रहा था उसे बेंड होना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो ये डॉटेड वाला लाइन क्या है, उसका रियल पाथ है लेकिन बेंड होकर इधर आ गया। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, सपोज ये डी है, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन जब वो डिस्प्लेस हो जाता है तो अपने रियल पाथ से जितना दूर वो चल होके जाता है वो उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपने को एक एंगल मिलता है, ये इसको बोलते हैं ई, यहाँ ए कहलाता है एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये इमरजेंस एंगल कहलाता है। और इस रे को अपन बोलते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट रे का कॉन्सेप्ट क्या है, लाइट जिस मीडियम से एंट्री किया था यदि फाइनली लास्ट में वह उसी मीडियम से बाहर निकले, फर्स्ट मीडियम एयर था, लास्ट मीडियम भी एयर है, तो लास्ट मीडियम में जो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। और ये यहाँ पर आई है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर है, वो आप हमेशा ध्यान रखना, आई इज ऑलवेज इक्वल टू ई, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके पैरेलल हो गया, तो ये जो इसका पाथ था उसके ये पैरेलल हो गया, दैट मीन्स आई और ई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसने केवल डिस्प्लेसमेंट किया, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, फाइनली वो उसी उसी डायरेक्शन में जाने लगा जो इनिशियल उसने क्या किया था, एंट्री किया था। क्लियर? तो I इज ऑलवेज इक्वल टू E, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, एंड दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एंड नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अपेरेंट डेप्थ। ये क्या है, देखिए, अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ क्या है, आपने कभी एक इवेंट एक्सपीरियंस किया होगा कि सपोज अपने पास कोई वाटर का कंटेनर है, कोई ग्लास का कंटेनर है जिसमें हम क्या है किसी ऑब्जेक्ट को डुबा दिया, सपोज हमने सिक्के को डुबा दिया, तो आप देखे होंगे वो कॉइन क्या होता है, अपने रियल सरफेस से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। या आपने कभी देखा होगा कि बहुत क्लीन वाटर हो, रिवर हो, पोंड हो, तालाब हो, पोंड्स वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि हम जैसे उसमें पैर रखते हैं तो हमको क्या लगता है कि वो बहुत उथला है, लेकिन पैर रखते हैं तो पैर और नीचे चला जाता है। दैट मीन्स इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमारे पास कोई वाटर कंटेनर है, सपोज ये इसका सरफेस है, और यहाँ पर हम इसके बॉटम में सपोज ये एक कॉइन रखें, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कॉइन इमेज कर लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा होगा
कि ये ऑब्जेक्ट अपने रियल पोजीशन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और इसका रीजन क्या है, देखिए इसका रीजन है कि यहाँ से हमने एक रे इंसिडेंट किया और जो नॉर्मल इंसिडेंट होता है वो सीधा निकल जाता है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, इफेक्ट इफ़ द लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस देन इट डजंट चेंज इट्स पाथ, वो सीधा निकल जाता है, क्योंकि आई जीरो होता है तो आर भी जीरो हो जाता है। ये सीधा निकल गया और एक रे हमने इस तरह से इंसिडेंट कराया और यहाँ पर देखिए सिचुएशन कैसा बनेगा, ये वाटर है और ऊपर में क्या है, एयर है। तो डेंसर से रेयर में जाने के कारण क्या होगा, वो टूवर्ड्स सॉरी अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। अब इस रे को यदि हम पीछे बढ़ा दें तो यहाँ पर इसका एक इमेज बनेगा, ये इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट और ये है क्या उसका इमेज। तो जब हम क्या होता है ऊपर से, जब ऊपर से हम इसको देखते हैं तो ये क्वाइन जो मैं रेड इंक से यहाँ पर बनाया हूँ वो यहाँ ना दिख के ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये कहलाता है इसका अपेरेंट डेप्थ। और यहाँ पर हम रिफ्रेक्टिवनेस के साथ में इसका यदि रिलेशन बनाना चाहें तो सपोज़ इसका जो रियल डेप्थ है वो हमने एच लिया और इसका जो अपेरेंट डेप्थ है जो यहाँ पर लिया है उसको हमने सपोज़ ले लिया एच डेस। तो हम वाटर से यदि ग्लास में जाएँ डब्ल्यू म्यू ए तो इसका फार्मूला होता है एच डेस अपॉन एच इस तरह से, या इसको हम लिखें एम यू डब्ल्यू तो होता है एच अपॉन एच डेस, वेयर एच इज रियल डेप्थ, ये रियल डेप्थ है और ये क्या है अपेरेंट डेप्थ है, क्लियर। तो जिस मीडियम में वो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा कि सपोज आपके पास ग्लास स्लैब हो, ग्लास का टुकड़ा हो और उसको हम अपने नोटबुक वगैरह के ऊपर में रखते हैं तो नोटबुक के राइटिंग क्या है ऊपर उठे हुए दिखते हैं, ये सब उसी का रीजन है। दैट मीन्स यदि हमारा मटेरियल क्या हो डेंसर मीडियम में हो और हम रेयर मीडियम से उस ऑब्जेक्ट को देखें तब हम उस डेंसर मीडियम के हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। हियर डब्ल्यू वाटर है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज एच अपॉन एच डेप्थ, तो इसका जो रियल डेप्थ होता है उसमें अपेरेंट डेप्थ को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। तो ये है रिलेशन बिटवीन अपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, क्लियर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, एक तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा अपेरेंट डेप्थ। इसके बहुत से हमारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे डेली लाइफ में जो अभी मैंने बताया कि किस तरह से वो हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल और मैं कंपेरेटिव आपको बता रहा हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल, ये दोनों सिचुएशन को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सपोज ये कोई मीडियम का बॉर्डर लाइन है और ये नीचे का जो मीडियम है वो सपोज डेंसर मीडियम है, क्लियर, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है कोई भी। अब लाइट रे को हम क्या करें, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इंसिडेंट करें, ये कंडीशन को आप ध्यान रखना, फ्रॉम डेंसर टू रेयर नॉट रेयर टू डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में हम इसको इंसिडेंट करें नॉर्मल होगा तो क्या होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ऐसा होगा। ये आई है और ये क्या है आर है। अब आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए, अब यदि मैं आई को इंक्रीज करते जाऊं, आई को सपोज इंक्रीज करते जाऊं ऐसा, तो आर भी इंक्रीज होते जाएगा, जैसे जैसे मैं आई को इंक्रीज करूंगा तो आर भी क्या होगा इंक्रीज होगा। अब सपोज आई का एक स्पेशल एंगल, सपोज मैंने आई को इतना इंक्रीज किया तो आर क्या हो गया एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया, आर इज 90 डिग्री सपोज, तो उस समय जो आई होगा उसको हम आई सी कहते हैं, वेयर आई सी इज क्रिटिकल एंगल, क्लियर। तो क्रिटिकल एंगल के कंडीशन में क्या होता है आर 90 डिग्री हो जाता है, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगा इसका,
इफ लाइट रेज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू, और उस टाइम में क्या हो, आई का एक ऐसा स्पेशल वैल्यू कि आर का वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और इस कंडीशन में हम यहाँ पर एक फार्मूला इसमें बना सकते हैं, वो क्या होगा, देखो अपने को पता है कि जी म्यू ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इम्प्लाइज इसको लिख सकते हैं जी म्यू ए इक्वल टू, अब यदि हम आई को आई सी लिख दें तो साइन आई सी अपॉन, तब ये आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज जी म्यू ए इक्वल टू साइन 91 होता है तो हो जाएगा साइन आई सी हो जाएगा, ये साइन कास कोसेक सब आप क्या है मैथमेटिक्स में 10th क्लास में पढ़ोगे ना, दैट इम्प्लाइज, अब इसको हम लिख सकते हैं जी म्यू ए इक्वल टू, इसको दोनों तरफ को हम रेसिप्रोकल कर दें तो दोनों का रेसिप्रोकल करने से ये एम यू जी इक्वल टू हो जाएगा कोसेक आई सी, क्यों, क्योंकि वन अपॉन साइन आई सी क्या होता है, कोसेक आई सी होता है। तो ये है क्रिटिकल एंगल, ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है, देखिए ये सपोज एक बॉर्डर लाइन है और उसी तरह से हम यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये नॉर्मल ड्रा किए और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हो रहा है आई, ये हो रहा है आर। अब यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, इसे कंपेयर कीजिए कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो आई के एक स्पेशल वैल्यू के लिए आर 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन अब आप इमेजिन करिए कि सपोज अब हम आई के वैल्यू को आई सी से भी ग्रेटर कर रहे हैं, क्लियर, सपोज हियर दिस इज द एंगल वेयर आई इज ग्रेटर देन आई सी, मतलब हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स उसी मीडियम में क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इफ लाइट रेज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन द लाइट बाउंसिंग बैक इन सेम मीडियम, दैट मीन्स रिफ्लेक्ट, बाउंसिंग बैक मीन्स रिफ्लेक्ट, तो सेम मीडियम में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हमारे डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल हैं, लाइक मिराज, डेजर्ट मिराज। डेजर्ट मिराज क्या होता है, ये आपने सुना होगा या कहीं बुक्स में पढ़ा होगा कि रेगिस्तान में डेजर्ट मिराज मतलब रेगिस्तान में यदि कोई आदमी जा रहा हो या ऊँट में बैठा हो या किसी भी चीज़ में बैठा हो जा रहा हो तो उसको सामने का जो रेत है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, और जहाँ पर कुछ ट्रीज वगैरह हों तो उसके नीचे इमेज बन जाता है और वहाँ पर उसको क्या होता है, वाटर होने का एहसास होता है। या शाइनिंग ऑफ डायमंड, डायमंड का शाइनिंग भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो कैसे है कि डायमंड में, डायमंड को इस तरह से कटिंग किया जाता है कि लाइट रेज जब डायमंड के अंदर एंट्री हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, एक्चुअल में डायमंड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम होता है 2.4, उससे ज़्यादा किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता। मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, दैट इज 1.003, एंड मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, दैट इज नियर अबाउट 2.24, क्लियर। तो इस तरह से क्या होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है, उसमें आपको मैं कुछ बता दिया, बाकी आप अपने थ्योरेटिकल बुक से, जो आपका रेफरेंस बुक से स्टडी कर सकते हैं, कोई भी एनसीईआरटी किसी बुक से पढ़ सकते हैं। क्या क्या बताया मैंने, मिराज, साइनिंग ऑफ डायमंड एंड साइनिंग ऑफ द क्रैक बिटवीन ग्लास, ग्लास ग्लास में क्रैक हो जाए तो चमकता हो दिखाई देता है, आपने देखा होगा, ये सब के सब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। और आजकल जो ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता है, आप उसको 12th क्लास में पढ़ोगे, तो ऑप्टिकल फाइबर भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट रेस डेंसर से रेयर मीडियम में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाए तो लाइट सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये मैंने आज के टॉपिक में आपको जो पढ़ाया
वो लाइट का रिफ्रैक्शन पोर्शन पढ़ाया और वो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस था, प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन था। इसके बाद मैं आपको इसके नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो रिफ्रैक्शन को हम टू पार्ट में पढ़ेंगे, एक रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस जो मैंने आज आपको बताया, एंड सेकंड पार्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ओके, थैंक यू।